नमस्कार दोस्तों, आपने विक्रम और बेताल की कहानी तो सुनी ही होगी, और अगर आप गए हैं भूल इस कहानी को तो आइए हम आपको ले चलते हैं समय के पीछे और खेलते हैं कसीनो में विक्रम और बेताल की ये गेम, जो बिल्कुल रियल स्टोरी की तरह ही है। बस इतना ही नहीं, कहानी का मजा लेते हुए आप बहुत सारे जीत सकते हैं पैसे घर बैठ के टाइम पास और एंटरटेनमेंट के साथ। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत शुरुआत कर ही लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे अपने हिसाब से बेट को सेट कर सकते हैं। बेट जहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से लेकर 1000 तक है। यहाँ पे आप 120 पे सेट होकर 60,000 पे है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जीतना है तो 1000 पे सेट करिए, जो सीधा लेके जाएगा आपको 5 लाख तक विनिंग पे। 5 लाख तक आप इस गेम पे जीत सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल 200 पे सेट करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो 200 में सेट करके आपको करना है बस स्पिन और धीरे धीरे करके गेम को खेल लेना है। जैसे यहाँ पे कोई भी एक सिंबल जो ऊपर आपको दिख रहा है, डायमंड है, पर्ल है और गोल्ड है, कोई भी एक सिंगल का अगर सेट आता है 3 का, तो वहां पे आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे विनिंग का। अगर आपको गेम को अच्छे से समझना है, अगर पढ़ा हुआ चीज समझना है, तो आप हेल्प में जाइए और वहां पे विक्रम मेताल का हेल्प में सारा डिटेल बता दिया गया है। और पे टेबल में आइए, पे टेबल में भी आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। नीचे आते हैं तो आपको बताते हैं 2 मेन चीज जो इस गेम का सबसे खास चीज है, बिल्कुल रियल स्टोरी की तरह, वो है विक्रम और बेताल। विक्रम का मतलब जैसे रियल स्टोरी में आपको जिता सकता है बहुत पैसा, मतलब अच्छा, और बेताल वहीं पे बुरा, जो आपको इस चीज को पैसे जीतने से कर सकते हैं रोक, मतलब वो आपको रोक सकते हैं पैसे जीतने से। दोस्तों, विक्रम और बेताल की और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके खेल सकते हो। कोई भी लैंग्वेज आपको बस सेलेक्ट करना है, जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, गुजराती, जो भी आपका मन, आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप करिए कन्फर्म और आपका लैंग्वेज हो जाएगा चेंज। देखिए कैसे यहाँ पे हिंदी में हो गया है। अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करके भी आप इस गेम का मजा उठा सकते हो। तो चलिए थोड़ा गेम को खेल के समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 200 रुपया जीत चुका हूँ, तो यहाँ पे 3 गोल्ड का आया है। अगर मैं नेक्स्ट राउंड फिर से गोल्ड जीतता हूँ तो वो 400 हो जाएगा। वैसे ही पॉल में भी सेम है और वैसे ही डायमंड में भी सेम है, वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहेगा। अगर आपको करना है कैश पॉट कलेक्ट, तो आप कैश कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर इनकेस यहाँ पे आ जाता है बेताल, तो आपके जितने भी कैश पॉट में आपने कलेक्ट करके रखा है पैसा, वो सारा एक बार पे रीसेट हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, और आप सारे अमाउंट वहाँ पे हार जाते हो। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट राउंड में फिर से जीता और ये 400 हो चुका है। अगर मैं फिर जीतता हूं तो 800 होगा, लेकिन यहाँ पे बेताल आ गया है। अब बेताल के वजह से आप देख सकते हो कैश पॉट बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो चुका है, रीसेट हो चुका है। इसी चीज की मैं बात कर रहा था दोस्तों। तो बेताल से आपको बचना पड़ेगा और विक्रम आपको जिता सकता है बहुत सारे पैसे। विक्रम अगर आता है तो यहाँ पे आप जीत सकते हो गोल्ड, पॉल और डायमंड का, एक एक कैटेगरी पे वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब 200, 600 और 2000। चलिए यहाँ पे शायद विक्रम आ सकता है, अब उम्मीद करते हैं यहाँ पे शायद विक्रम आए। और यहाँ पे 2 आ चुका है, और एक अगर विक्रम आ जाता है तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं और ये आ चुका है 200, 600 और 2000। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बढ़ चुका है, और आपका कैश पॉट जो है 2800 पे आ चुका है। अब यहीं पे अगर नेक्स्ट राउंड खेलते हैं, और ये लगता है बेताल भी आ चुका है, बिल्कुल जैसा मैंने आपको कहा था दोस्तों, अगर विक्रम आपको जिता सकता है बहुत पैसा, तो बेताल आपको वो करने से रोक सकता है। और बिल्कुल बिल्कुल रियल स्टोरी की तरह यहाँ पे भी वही हुआ है। होपफुली दोस्तों आप गेम को समझ चुके हैं और गेम को खेलिए, बहुत सारा पैसा जीतिए, यहाँ पे कलेक्ट कर लीजिए अगर आप जीत चुके हो बहुत सारा पैसा। ज़्यादा यहाँ पे रिस्क मत लीजिए, अगर ज़्यादा रिस्क लेते हो तो आप में बहुत ज़्यादा पैसा जीत तो सकते हो, साथ में वहाँ पे अगर बेताल आ जाती है तो हारने के चांसेस भी है। तो अभी आपके ऊपर है दोस्तों, अगर आपको रिस्क लेके बहुत बड़ा अमाउंट जीतना है, या फिर आप 1000, 2000, 5000, 10000 से उसको कैश पॉट कर कलेक्ट करके वापस नए से शुरुआत करना चाहते हो, ये आप समझ लीजिए दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बिल्कुल रियल स्टोरी की तरह विक्रम और बेताल। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे गोल्ड आ चुका है, यहाँ पे पर्ल भी 3 राउंड हो चुका है 3 स्टेप। तो मैं इसको कर लेता हूँ कलेक्ट, जैसा मैं आपको कहा था 3400 मैंने एक बार में कलेक्ट कर लिया है। आप भी इसको कलेक्ट करिए, या फिर आप रिस्क लेके और बड़ा अमाउंट जीतना चाहते हो, ये आपके ऊपर दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। विक्रम और बेताल को लेकर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट में जरूर पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।